तो टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू सीरीज किंटर मॉडल किंटर मॉडल क्या है किंटर मॉडल इज स्टैंडर्ड जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी फॉर पाइथन इट सेट ऑफ पाइथन क्लासेस दैट अलाउ द कर क्रिएशन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसका यूज़ होता है कहाँ पर डेस्क टॉप में मोबाइल एप्लीकेशन में ये यूज़ नहीं हो सकता है सिर्फ डेस्क टॉप के लिए और हम इसे क्या बना सकते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल हम इसे बना सकते हैं नोट जैसे प्रोग्राम फिर हम बना सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर मतलब कि आपकी कंप्यूटर में दिस पी होगा इफ़ यू आर ऑन द विंडोज़ दैट इज़ फाइल एक्सप्लोरर फिर हम बना सकते हैं कोई टाइपिंग स्पीड को टेस्ट करने का एक सॉफ्टवेयर फिर हम बना सकते हैं कोई कैलकुलेटर और कोई वेदर ऐप भी बना सकते हैं ऐसी स्मॉल लेकिन एफिशिएंट एप्स बना सकते हैं हम यूजिंग किंटर मॉड्यूल तो दिस इज़ अ गुड वे टू एंटर इन द ग्राफिकल यूजर डेवलपमेंट थ्रू पाइथन तो किंटर मॉड्यूल जो होता है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है इसका क्या मतलब है अगर आपके कंप्यूटर में पाइथन किसी भी पाइथन वर्जन इंस्टॉल्ड है तो इसका मतलब यह है कि आपके कंप्यूटर में किंटर ऑलरेडी है तो आपको इसको कहीं से भी इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम सीधा इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो टुडे तो वी आर गोना क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन राइटिंग ए राइटिंग ए हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन यूजिंग किंटर तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले वी आर गोना इंपोर्ट किंटर तो यहाँ पर हमने किंटर को इम्पोर्ट कर दिया है इम्पोर्ट किंटर सिंपल फिर हमें इस किंटर में एक क्लास होता है इसका नाम है टीके उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो रूट इक्वल्स टू किंटर डॉट टीके किंटर डॉट टीके तो यहाँ पर रूट इज़ द वेरिएबल और ये है एक क्लास का नाम जो कि इस मॉडल के अंदर है तो उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ये काम आपको हर बार करना पड़ेगा यूजिंग किंटर नेक्स्ट हम एक लेबल क्रिएट करेंगे किंटर डॉट लेबल तो इस लेबल में कुछ आर्ग्यूमेंट्स डालनी पड़ेगी हमें टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो कि लेबल का टेक्स्ट होगा हेलो वर्ल्ड तो यहाँ पर लेबल में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं हम पूरा लेबल का कवर करेंगे इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स लेकिन आज हम सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि व्हाट इज़ किंटर तो यहाँ पर हमने टैक्स लिया है दैट्स इट एकदम सिंपल रखते हैं हम फर्स्ट टूटोरियल को और फिर किंटर डॉट मेन लूप। अब ये हमने क्यों लिखा है मेन लूप से क्या होता है कि हमारी एप्लीकेशन की सारी अपडेट्स जो है उसको वो रनिंग कर देता है मतलब कि हमारी एप्लीकेशन तब तक रन होती रहेगी जब तक कि मेन लूप रन हो रहा है तो लेट्स सी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन ओके ओके तो यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि ओके okay, हमें इस लेबल को डिस्प्ले करने के लिए यहां पर लिखना पड़ेगा डॉट पैक तो यहां पर आप देखिए एकदम छोटा सा हेलो वर्ल्ड लिख कर आ रहा है बहुत ही छोटा एक काम करता हूँ मैं फोन्ट साइज इंक्रीज़ करता हूँ थोड़ी हाँ तब आपको दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड तो दिस इज़ अ विंडो ऑफ इंटर यहाँ पर टीके लिखा हुआ है साइड में उसको हम चेंज भी कर सकते हैं वो सब हम सीखेंगे आगे धीरे धीरे और ये मिडल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है दिस इज़ अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ किंटर राइट हम आगे चल के बहुत ही डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन सचेस टाइपिंग स्पीड सॉफ्टवेयर फाइल एक्सप्लोर जैसी नोट पेड जैसी एप्लीकेशंस भी बनाएंगे इसी कोर्स में तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक द वीडियो थैंक यू